क्या एक्साइटेड है आज कि हमने कुछ अपनी क्लास की डेकोरेशन चेंज करी है? Yes, ma'am. तो आज हम एक एक्ट के माध्यम से समझेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं और मल्टी चैनल स्टोर क्या होते हैं. माय नेम इज सोहिल. माय नेम इज अवधेश. माय नेम इज सलमान. माय नेम इज नंदिनी चौधरी. हेलो आई एम अन्ना. हेलो आई एम सविता सागर. मुझे इमरजेंसी घर से बाहर जाना है. मुझे कुछ काम है. मैं शाम तक वापस लौटूंगा. आप ये सामान ले आना. भैया मुझे तो खेलने जाना था पर आज. कोई बात नहीं, कल खेल लेना. आज ये सामान ले आना, ये जरूरी है. ये लो मेरा एटीएम कार्ड. ठीक है भैया. आओ चलो खेले चलते हैं. अरे कहाँ यार, आज तो खेल ही नहीं पाऊंगा. भैया ने इतना सारा सामान लाने के लिए बोला है, देखो तो सही जरा. अरे यार इतना सारा सामान हम कैसे लेके आएंगे यार, हमें बहुत सारी दुकानों में जाना पड़ेगा. चलो मार्केट चलते हैं, वहीं जाके पता लगेगा कैसे. नहीं तुम ऐसा करो, तुम खेले चले जाओ, मैं ले आऊंगा. अरे नहीं मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. चलो फिर चलते हैं साथ ही में. चलो यार इतना सारा सामान कहाँ से लें. चलो बाजार जाके देखते हैं, मुझे पता लगेगा. वो लेडी खड़ी है, उनसे पूछते हैं. एक्सक्यूज मी प्लीज. यस. क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? ये सामान है क्या, ये हम बता सकते हैं कहाँ पे मिलेगा? अरे ये तो बहुत सारा सामान है, ये सब आपको जल्दी चाहिए? जी बिल्कुल जल्दी चाहिए. तो आप ऐसा कीजिए कि रिटेल, बड़े बड़े रिटेल शॉप्स होते हैं वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वहाँ से जाके सारा सामान लीजिए. सामान आपको सारा ही छत के नीचे मिल जाएगा. एक छत के नीचे इतना सारा सामान कैसे मिल सकता है? हाँ ऐसा नहीं होता, एक बड़ी सी शॉप होगी, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप का सामान होगा और एक डिपार्टमेंट में एक वैरायटी होगी. आप वहाँ जाइए और आपको सारी वैरायटीज मिल जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. ये हम इन्हें कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको सिटी के सेंटर में लोकेटेड मिलेंगे. जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो किसी भी शहर के सेंटर में लोकेटेड रहते हैं. सारा सामान बढ़िया तो होता है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? वहाँ पे ऐसा होता है जो रिटेलर्स होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं, इसलिए मिडिलमैन का एलिमिनेशन हो जाता है, जिससे आपको वैरायटी सामान की और जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी मिलेगी और जो प्राइस होगा वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा. क्या वो क्रेडिट की भी कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती है उनके पास? अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर्स हो तो वो शायद क्रेडिट और कैश दोनों में आपसे डील कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप पहली बार जा रहे हो तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो आप वहाँ पे जाके पता कर लीजिएगा. आपको कैश में मिल जाएगा, आपको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा. और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वहाँ? सर्विसेज आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट की सर्विस मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस की सर्विस मिल जाएंगी और बाकी भी कई तरह की होम डिलीवरी, बहुत सारी सर्विसेज आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाएंगी. आप जाइए एक बार विजिट कीजिए. कहाँ पे जाऊँ अभी मैं? हमारे शहर में पास में एक मॉल है V3S, आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए. वेलकम टू अवर V3S. सर बास्केट. अरे जैसा उन्होंने बताया था यहाँ पे तो अलग अलग चीजों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए. सर आप कमेंट, आप किस मोड में पेमेंट करना चाहेंगे? मैम आपके पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं पेमेंट के लिए? सर हमारे पास UPI, Paytm, Amazon और कार्ड स्विंग भी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं. मैं कार्ड स्विंग के थ्रू पेमेंट करना चाहूंगा. यस श्योर सर. सर आपका सामान. अरे हम इतना सारा सामान कैसे लेके जाएंगे? बात तो तुम्हारी सही है मैम, से पूछ लेते हैं क्या आपके पास कोई होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल. मैम क्या आपके पास कोई होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है? जी सर हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है. आपका जो बिल है 5000 से ऊपर है तो हम आपको फ्री फैसिलिटीज देंगे डिलीवरी. आप जा सकते हैं अपना सामान छोड़ के, हम आपका सामान आपके घर पहुंचा देंगे. हाँ एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. आई होप यू लाइक द सर्विसेज एंड विजिट अवर. ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाके सामान लेके आना है. ओके. Yes.
रहे आपका सामान जो आपने ऑर्डर किया था। चलो अब देश हम सब खेलने चलते हैं, हमने सारा सामान ले लिया है। सही कह रहे हो सोहेल, तो हमें खेलना चाहिए सर। अरे यार सोहेल, भैया के लिए जूते तो लेने हम भूल ही गए। चलो वो लेडीज शायद सूट लेकर आ रही है, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने शूज कहाँ से परचेज किए। आओ चलो चलकर पूछ लो। एक्सक्यूज मी मैम। यस। क्या मैम आपने शूज परचेज किए हैं? कहाँ से? मल्टीपल चेन स्टोर्स के बारे में तो सुना ही होगा वो। नो मैम। ताज रिटेल शॉप्स होती हैं जो बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करती हैं, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो हम क्या ये शूज हैं ये आपने खरीदे हैं, ब्रांडेड होते हैं ना चेन स्टोर्स में? हाँ हाँ बिल्कुल ब्रांडेड ही मिलेंगे आपको। तो मैम पेमेंट का क्या है इसमें, कैसे पेमेंट? पेमेंट तो आपको इमीडिएट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। और मैम प्राइस पे क्या है, प्राइस में कुछ छूट मिल जाती है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं, प्राइस तो हर जगह यूनिफॉर्म ही होता है, ये शोरूम्स होते हैं इनका, तो ऐसा तो उसमें होता है। हम कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने ये आपको किसी भी शहर में अलग अलग जगहों पे मिल जाती है। मैम क्या ये चेन स्टोर्स कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज? ऐसी कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है। तो मैम हम भी कहाँ से परचेज कर सकते हैं शूज? यहीं पे दूसरी गली में लेफ्ट साइड में एक रिलैक्सो का शोरूम है, और बहुत अच्छा शोरूम है, तो आप वहाँ जाइए तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। चलो सोहेल चल के देखते हैं चेन स्टोर्स में कैसे कैसे शूज अवेलेबल है जिन्हें हम खरीद सकते हैं। हाँ चलो चल कर देखते हैं। ओके सर, आप मुझे अपने टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस के हिसाब से बता दीजिए आपको किस टाइप के शूज चाहिए, पार्टी वियर, कैजुअल या स्पोर्ट्स शूज? मैम आप हमें बता दीजिए कि पार्टी शूज कहाँ पे? ओके मैम, किधर जाए पार्टी शूज के लिए? स्ट्रेट जाके लेफ्ट ले लेना, आपको स्पोर्ट्स कॉर्नर लग जाएगा, अपने हिसाब से शूज ले जाना। चलो चल के देखते हैं सोहेल। देखना ये वाले शूज सही लग रहे हैं, ये शायद भैया को पसंद आ जाएंगे। हाँ चलो देख लो, ये ले लो। मैम हमें ये वाले शूज पसंद आए, आप हमें बता दीजिए क्या डिस्काउंट मिल सकता है हमको? सर आप लेट हो गए, अभी आंबोली का फेस्टिवल आया था, उस पर तो ऑफर था, अब कोई ऑफर नहीं है, अब जो रेट है आप उसी पे सामान खरीदना। ओके मैम, किस मोड में पेमेंट करना चाहोगे आप सर? मैम कैश में पेमेंट करना चाहूँगा। ओके सर, एज यू विश। ओके सर लीजिए आपके शूज। थैंक यू मैम। अब तो हमने इतनी जल्दी सारी शॉपिंग कर ली और हमारा टाइम बचकर हम घर जाकर खेलेंगे। हाँ सही बोल रहे हो आप, अब तो शूज भी परचेज कर लिए हमने, अब तो जाकर खेलेंगे घर। चलो घर चलते हैं। कहाँ रह गए थे आप, सामान तो पहले ही आ गया, इतने कम समय में आप इतना सारा सामान कैसे ले आए? भैया हम रास्ते में जा रहे थे सामान लेने, तो हमें वहाँ पर एक लेडी मिली और उन्होंने हमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में बताया। क्या आप जानते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? नहीं ब्रदर, मुझको तो नहीं पता है डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, बताना क्या होते हैं? भैया डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं जब एक ही रूफ के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। वहाँ पर जब हम गए तो बहुत ही बड़ा स्टोर था, बहुत ही बड़ा शोरूम था, और वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, जैसे फर्नीचर का डिपार्टमेंट और फूड का डिपार्टमेंट और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, बहुत ही बड़ा था। भैया आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में और क्या क्या पता है, मुझे ही बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ इसके बारे में। भैया डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक रिटेलिंग, लार्ज स्केल रिटेलिंग शोरूम्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के प्रोडक्ट्स में डील होती है। कोई भी कस्टमर जाकर वहाँ पर कितना भी सामान खरीद सकता है, और जो आपने भैया लिस्ट दी थी वो सारा सामान मैंने वहीं से परचेज कर लिया है। अगर हमें पहले से ही पता होता तो हम क्रेडिट फैसिलिटी भी ले सकते थे उनसे, लेकिन हम पहली बार गए हैं तो
तो हमें कैश में ही पेमेंट करना पड़ा। भैया सामान में तो सूज नहीं थे, सारा सामान आ गया, आप सूज अपने साथ क्यों लाए? भैया हमको वहाँ पे सूज पसंद नहीं आए थे, इसलिए हमने मल्टी चैनल स्टोर से सूज लाए। मल्टी चैनल स्टोर क्या होते हैं मुझे ही बताइए इनके बारे में। भैया ये जो होते हैं ये ऑनलाइन प्रोडक्ट में डील करते हैं और ये शहर के बड़े मतलब हर एरिया में होते हैं और इनका प्राइस जो होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, आप कहीं से भी जाकर खरीद सकते हैं। नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट होता है और आप कहीं भी जाके इनको खरीद सकते हैं, इनका प्राइस यूनिफॉर्म होता है। भैया आज तो आपको बाजार जाने से दो स्टोर के बारे में पता चल गया, मुझे भी मुझे पहले पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम से भैया हम वहीं से सामान लाया करेंगे, एक ही बार में सब सामान आ जाएगा। हमने आप सबको डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल चैन स्टोर्स के बारे में एक एक्ट के थ्रू समझाया और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।